स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चलो क्रिएटिविटी करें। तो दोस्तों, बहुत टाइम से ग्लास बॉटल का वर्क मैंने नहीं किया था, तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम से ये बॉटल रखी हुई थी, तो ये देखिए मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जैसो। इसके हम डबल कोट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर उसको अच्छे से ड्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद हमें इसके ऊपर एक राउंड शेप बनानी है, तो जिसके लिए हमने न्यूज़पेपर को राउंड शेप में कट कर लिया है। और अब निशान लगाने के बाद हमने लिया है एक्रेलिक कलर, तो उसका हम एक कोट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ब्लैक कर रहे हैं तो एक कोट ही इसका काफ़ी होगा। दोस्तों, ये भी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है और अब हमने लिया है एक बाउल जिसमें हम लेने वाले हैं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को जितना छोटा हो सके उतना छोटे टुकड़ों में आपको कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं टिश्यू पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस बाउल में डाल रही हूँ। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद लगभग इसे आधे घंटे के लिए हम इसको भीगा रहने देंगे, ताकि हमारा टिश्यू पेपर जो है अच्छे से पानी में भीग जाए। तो चलिए इसमें पानी मिला देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने टिश्यू पेपर को निचोड़ के निकाल लिया है और अब इसके सभी टुकड़ों को अच्छे से हम खोल लेंगे, ताकि जब हम वर्क करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से जितना हमें अभी बनाना है उतना ही हम यूज़ करेंगे, बाकी बाद में हम दोबारा से बनाएंगे। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फेविकॉल SH। अगर आपके पास फेविकॉल MR है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड करूँगी वाइट कलर। अगर आपको इसमें कलर यूज़ करना है तो आप जो कलर में बनाना चाहते हैं वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। मुझे वाइट में बनाना है तो इसलिए मैंने इसको वाइट कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब अप्लाई करेंगे अपनी बॉटल पे। तो सबसे पहले दोस्तों, बॉटल पे जो भी कोई शेप आपको बनानी है वो वाली शेप आप अपनी ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए, मैंने पहले न्यूज़पेपर से कटिंग कर ली ताकि मेरी शेप बहुत अच्छे से बन जाए। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम प्लकर की मदद से अब जो हमने टिश्यू पेपर का अपना ये बनाया था पेस्ट, इसको अप्लाई करेंगे। तो ये आपको प्लकर से करना है और साथ में दूसरा प्लकर, ब्रश वगैरह कुछ भी इस तरह से यूज़ करना है। और धीरे धीरे जिस भी शेप में आपको ये बनाना है उस शेप में अच्छे से इसको स्टिक करते जाएंगे। ये चिपक जाएगा क्योंकि हमने इसमें फेविकोल ऐड किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। और इसको बनाना बहुत आसान है और बनाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लोगो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, तो अब इसके ऊपर नाम लिख देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमने जो बनाया है वो बैंड बनाया है जो एडवोकेट का होता है, तो अब हम नीचे इसमें एडवोकेट लिखने वाले हैं। आपको जो भी लोगो जब आप बना रहे हो जो भी लिखना है तो उसको पहले पेंसिल से लिख लीजिए, उसके बाद बनाइए।
तो इस तरह से मैं तो अभी डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि ये मैं बनाती रहती हूँ। तो आप पहले पेंसिल से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी अगर आप फर्स्ट टाइम इसको करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। और बनने के बाद ये लोगो बहुत सुंदर लगते हैं। ये बॉटल के ऊपर मैं जो लोगो बना रही हूँ बहुत प्यारा लगने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो दोस्तों यहाँ मैं ले रही हूँ कॉपर शेड का ग्लिटर कलर। ग्लिटर के बिना तो किसी भी डीआईवाई में जान नहीं पड़ती है। तो चलिए हम इस पे ग्लिटर और अप्लाई कर देते हैं। ऊपर का जो माउथ वाला हिस्सा है, जो ढक्कन वाला हिस्सा है, हम इसे पूरा का पूरा कॉपर कलर से कलर करेंगे क्योंकि जब तक हम ग्लिटर यूज़ नहीं करते हैं कोई भी डीआईवाई सुंदर नहीं लगता है। तो ये देखिए हमने ऊपर की तरफ कर दिया है और अब इसकी आउटलाइन एक तरह से हम बना देंगे ग्लिटर से और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक कि कैसी हमारी ये बॉटल लगती है।